दोस्तों इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं सबसे पहले अडानी वेलमार के बारे में। यहाँ पर अडानी वेलमार के क्वार्टर 3 के नंबर्स को लेकर अनाउंसमेंट इस वीक हमें देखने को मिल सकती है, यानी कि कल से जो नया ट्रेडिंग वीक स्टार्ट होने जा रहा है। और साथ ही साथ जो क्रूड ऑयल की प्राइसेस हैं वहां पर भी गिरावट देखने को मिल रही है, जिस कारण से अडानी वेलमार के मार्जिन पर भी इशू हमें आते हुए देखने को मिल सकते हैं। हालांकि अडानी वेलमार ने अपने क्वार्टर 3 के नंबर्स यहां पर डिक्लेयर कर दिए हैं, जिसमें काफी अच्छी ग्रोथ दिखी गई है, तो माना जा रहा है कि रिजल्ट भी कंपनी के काफी अच्छे रह सकते हैं, तो इस शेयर्स के ऊपर आप नजर बनाए रख सकते हैं। लेते हैं नेक्स्ट शेयर के बारे में, जिसका नाम है IEX इंडियन एनर्जी एक्सचेंज लिमिटेड, जहां पर कंपनी को लेकर कुछ बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है। कंपनी का बायबैक ओपन हो चुका है। 10 जनवरी से लेकर 13 जनवरी के बीच में IEX के प्रमोटर्स ने 30,000 शेयर्स को बायबैक किया है। तो यदि आपने भी IEX के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रखा है और अगर आप बायबैक का बेनिफिट उठाना चाहते हैं तो डेफिनेटली बायबैक के साथ में जा सकते हैं और वहां पर अप्लाई कर सकते हैं। बात करें जेफरीज की तरफ से IEX को लेकर अंडरवेट की रेटिंग दी गई है और 110 रुपए के टारगेट दिए गए हैं। तो यदि आप फ्रेश पोजीशंस बनाने के बारे में सोच रहे हैं तो अभी के टाइम पर आपको थोड़ा सा वेट एंड वॉच यहां पर करना चाहिए। बढ़ते हैं अगले शेयर्स की तरफ, जिसका नाम है IRCTC। लास्ट ट्रेडिंग सेशन में कोई बड़े मूवमेंट तो इस शेयर्स के अंदर देखने को नहीं मिले, लेकिन ये शेयर्स काफी ज्यादा कल के दिन हमें फोकस में देखने को मिल सकता है, क्योंकि IRCTC की तरफ से रिसेंटली दिसंबर मंथ की शेयर होल्डिंग्स पैटर्न यहां पर रिलीज करी गई है, जिसमें प्रमोटर्स यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से तो यहां पर 5% का स्टेक OFS के थ्रू बेचा गया है, लेकिन FII और DII ने काफी अच्छे से अपने स्टेक को इंक्रीज किया है। तो IRCTC का शेयर भी कल के दिन काफी ज्यादा लाइट में रहने वाला है, जिस कारण से यहां पर अगर आपने खरीदारी कर रखी है 600 रुपए के स्टॉप लॉस को ध्यान में रखते हुए यहां पर आप अपनी पोजीशंस को होल्ड करते हुए चल सकते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट शेयर की तरफ, जिसका नाम है CDSL, जहां पर लास्ट ट्रेडिंग सेशन में कोई बड़े मूवमेंट तो देखने को नहीं मिले, लेकिन CDSL को लेकर एक इंपॉर्टेंट रिपोर्ट यहां पर निकल कर आ रही है, जिसमें आप देख सकते हैं डीमेट्स अकाउंट्स राइज 34%, 34% की ग्रोथ हमें डीमेट्स अकाउंट के नंबर्स में देखने को मिल रही है, जिसका सीधा बेनिफिट CDSL को मिलने वाला है। टोटल एक्टिव डीमेट्स अकाउंट दिसंबर मंथ में बढ़कर 10 करोड़ 8 लाख तक पहुंच चुके हैं, तो बहुत ही शानदार न्यूज हमें आते हुए देखने को मिल रही है। अल्टीमेटली इससे CDSL को काफी ज्यादा बेनिफिट मिलने वाला है। साथ ही साथ कुछ और ब्रोकरेज फर्म्स को भी यहां पर बेनिफिट मिल सकता है, क्योंकि इनके मार्केट शेयर में भी काफी इजाफा देखने को मिल रहा है, जिसमें सबसे पहले बात करें एंजल वन की, जहां पर लास्ट ट्रेडिंग सेशन में 2% की तेजी देखने को मिल रही है। साथ ही साथ ICICI सिक्योरिटीज लिमिटेड की यहां पर भी काफी अच्छे मूवमेंट हमें देखने को मिल रहे हैं। बात कर लेते हैं नेक्स्ट शेयर के बारे में, जिसका नाम है पॉलीकेम इंडिया लिमिटेड। ये वीक पॉलीकेम इंडिया लिमिटेड के शेयर होल्डर्स के लिए भी काफी खास होने वाला है, क्योंकि कंपनी बहुत जल्दी स्प्लिट को लेकर भी अनाउंसमेंट कर सकती है। और साथ ही साथ बात करें यहां पर और क्या बड़ी अपडेट देखने को मिल रही है, तो कंपनी 19 जनवरी के दिन अपने फाइनेंशियल रिजल्ट डिक्लेयर करने वाली है, वो डेट भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। साथ ही साथ 19 जनवरी के दिन ही हमें हैप्पीएस्ट माइंड के भी रिजल्ट देखने को मिलेंगे, तो दोनों ही शेयर होल्डर्स के लिए ये दिन बहुत ज्यादा खास होने वाला है। जैसे ही रिजल्ट डिक्लेयर कर दिए जाएंगे आपको हमारे YouTube चैनल से अपडेट कर दिए जाएंगे। बात कर लेते हैं नेक्स्ट शेयर के बारे में, जिसका नाम है डीप डायमंड इंडिया लिमिटेड, जहां दोस्तों लास्ट ट्रेडिंग सेशन में 3.7% की तेजी हमें शेयर्स के अंदर देखने को मिल रही है। बात करें इस शेयर्स के अंदर क्या बड़ी अपडेट देखने को मिल रही है, तो कंपनी ने 10:1 के रेशो का स्प्लिट अनाउंस किया है, यानी कि इस कंपनी की फेस वैल्यू अभी हमें 10 रुपए देखने को मिलती है, वही स्प्लिट के बाद में 1 रुपए देखने को मिलेगी। हर एक शेयर के बदले 10 शेयर कंपनी देने जा रही है। काफी शानदार रिटर्न्स कंपनी पिछले 6 महीने में बनाकर दे चुकी है, लेकिन ये शेयर्स मोस्टली हमें लोअर सर्किट अपर सर्किट में ही देखने को मिलता है, तो यहाँ पर अगर आप खरीदारी करना चाहते हैं तो सबसे पहले इस शेयर्स को एक बार कंप्लीट एनालिसिस कर सकते हैं, उसके बाद में मन बना सकते हैं।